नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर यूपी, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में अर्नब पर केस दर्ज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी व सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के आरोप में पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में केस दर्ज किया गया है। यूपी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने, महाराष्ट्र में मंत्री नितिन राउत ने, जबकि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने केस दर्ज कराया है। केंद्रीय टीम के मुंबई में कोरोना के 6 से 5 लाख केस होने के अनुमान से पैनिक न हो लोग, टोपे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि मुंबई में 30 अप्रैल तक COVID-19 के 42,604 और 15 मई तक 6 से 5 लाख केस होने के केंद्र सरकार की टीम के अनुमान को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मंत्री टोपे ने कहा चीजें स्थायी नहीं रहेगी क्योंकि खतरे को कम करने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। कर्मचारी को COVID-19 संक्रमण होने पर कंपनी पर कार्रवाई वाली रिपोर्ट गलत। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही उस रिपोर्ट को खारिज किया है, जिसमें दावा किया गया है कि कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की स्थिति में मालिक संगठन के खिलाफ FIR दाखिल की जाएगी। एक बयान में कहा गया, इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है, सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार भी नहीं कर रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।